गाइस फाइनली आज किस मंडे नाइट रॉ पे यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होते होते बची, वो भी यहाँ पर जैको फादू के हाथों से। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी उसो और जिमी उसो के बीच एक बढ़िया सा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और किस प्रकार यहाँ पर जी उसो और जिमी उसो यहाँ पर ब्लड लाइन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ इस बार के मंडे नाइट रॉ। गाइस आज के इस मंडे नाइट रॉ के यहाँ पर किक शो की स्टार्ट होती है जी उसो से। तो गाइस यहाँ पर जी उसो का जिस प्रकार एंट्रेंस हो रहा था वहीं बैकग्राउंड में इनको दिखाया जा रहा था कि इन्होंने किस कर अपना टाइटल लूज किया। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड में ये भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार यहाँ पर जी उसो के साथ और जिमी उसो के साथ यहाँ पर ब्लड लाइन में वार चल रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी उसो और भी काफी सारी बातें करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम उनको यहाँ पर परेशान कर रही है। उसके बाद गाइस यहाँ पर म्यूजिक हिट होता है जिमी उसो का, जिमी उसो सीधा रिंग में चले आते हैं माइक लेकर। तो यहाँ पर जिमी उसो आने के बाद यहाँ पर जी उसो को थैंक्स बोलते हैं कि किस प्रकार वो यहाँ पर उनकी हेल्प किए, अब उनकी वजह से यहाँ पर वो ब्लड लाइन की टीम को काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी उसो और जिमी उसो के बीच और भी काफी सारी प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। फिर फाइनली यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम आ जाती है और पीछे से अटैक कर देती है जी उसो और जिमी उसो के ऊपर। उसके बाद गाइस यहाँ पर मौका पाकर जी उसो और जिमी उसो यहाँ पर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर चुके थे टामाटोआ और टामा लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जैको फातू बाहर ही खड़े हुए थे और यहाँ पर सोलो सिकोआ का ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तभी यहाँ पर सोलो सिकोआ बोलते हैं कि जाओ। उसके बाद गाइस क्या कमाल के यहाँ पर जैको फातू आते हैं यहाँ पर जिमी उसो और जी उसो के यहाँ पर काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और गाइस यहाँ पर काफी पूरी तरह से यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम पूरी तरह से हावी हो जाती है और तभी यहाँ पर सोलो सिकोआ बोलते हैं कि ये लो चेयर और इसे डिस्ट्रॉय करो इनको। उसके बाद जैको फातू जैसे ही चेयर लेकर यहाँ पर अटैक कर देते हैं तभी यहाँ पर जी उसो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और जिससे कि यहाँ पर दोनों यहाँ पर एक बार फिर से हावी हो जाते हैं जी उसो और जिमी उसो। उसके बाद यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम यहाँ पर रिंग से बाहर हो जाती है और सोलो सिकोआ इनको यहाँ पर रोक लेते हैं, वापस यहाँ पर जाने नहीं देते उनको। और गाइस तभी यहाँ पर काफी सारी सिक्योरिटी आ जाती है जिससे कि यहाँ पर एडम स्पेयर काफी फायर्ड अप हो जाते हैं कि किस प्रकार इनका यहाँ पर रोज का ड्रामा ये चल रहा है। तो गाइस आज के इस मंडे नाइट रॉ पर यहाँ पर पहला यहाँ पर सेगमेंट कुछ इस प्रकार देखने को मिला। वैसे गाइस ये स्टोरी लाइन यहाँ पर स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ पर भी देखने को मिल रहा है तो ये कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा है। वैसे गाइस आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।